का जो हेड है टोटली लॉस्ट हो चुका है। ये देखो सब कुछ है, म्यूचुअल करने का ट्राई किया लेकिन वो जो लोग है वो पैसा मांग रहा था बहुत ज्यादा, अगर पैसा नहीं दूंगा तो फिर क्या होगा, जो बाइक है वो नहीं देगा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, आप लोग देख रहे हो विंस एक्सेल व्लॉग। आज आपके लिए लाया हुआ एक न्यू वीडियो। सो गाइस, अभी फिलहाल जा रहा हूँ मैं घूमने के लिए क्योंकि आज हम लोगों के इधर काली पूजा है। तो फिलहाल आज रात को मोटो व्लॉग करेंगे बहुत दिनों के बाद। आज आप लोग देख सकते हो कि नाइट सेटअप कैसा लग रहा है, ये जो आप लोगों ने पहले फ्रेम देखा टाटा, तो आप लोगों ने जो पहले फ्रेम देखा मतलब ये मेरा हाउस है। अभी तो फिलहाल जाऊँगा, चलो फिर निकलते हैं। हाँ फिलहाल तो अभी निकल रहा हूँ, मैं तो अकेला हूँ, अभी जा रहा हूँ निहारिका को लेने के लिए। पता नहीं इधर से जाने देगा या फिर नहीं। मेरा जब इतना सुकून, थैंक यू। सो गाइस, फिलहाल इधर से तो जाने नहीं दिया तो घूम के जाना पड़ेगा। तो इधर पे कुछ सब्सक्राइबर के साथ मीट हो गया था, बिग फैन बोल रहा था। बहुत जगह पे आज नो एंट्री है, मैं यही चीज़ देख रहा हूँ। तो गाइस, आप लोगों ने तो देखा कि मैं व्लॉग करने के लिए निकला था काली पूजा में, तो उसके बाद क्या हुआ, मेरा जो गोप्रो है वो हैंग हो गया। मेरा सब्सक्राइबर के साथ भी मीट हुआ था, आप लोगों ने देखा था शायद। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरा जो गोप्रो था वो हैंग हो गया। तो हैंग होने के बाद मैंने रुका था इसी कारण के लिए क्योंकि हैंग हो गया तो मीडिया मोड खोलना पड़ेगा, मीडिया मोड खोलने के बाद बैटरी खोलना पड़ेगा, तो उसके बाद मेरा जो गोप्रो हैंग है वो ठीक हो जाएगा। तो उसी चक्कर में मैंने गोप्रो का जो मीडिया मोड है वो रिमूव करने गया था, तभी क्या हुआ, जो गोप्रो का जो मतलब मीडियम मोड का जो लॉक रहता है वो टूट गया, टूट के मेरे हाथ पे आ गया पता नहीं कैसे। तो उसके बाद तो मैं निहारिका के घर पे चला गया था क्योंकि निहारिका के साथ ही निकलना था। तो उसके बाद उसके घर में जाने के बाद मैंने बहुत टाइम ट्राई किया इसको ठीक करने का, तो ये नहीं हुआ क्योंकि ये एकदम ही टूट गया है। अभी तो जो ब्लॉक कर रहा हूँ मैं आप लोगों को साइड में दिखा रहा हूँ कि कैसे मैंने इसको सेलोटेप से मतलब अटैच करके उसके बाद अभी शूट कर रहा हूँ, तो यही सीन है। एंड उसके बाद क्या हुआ, मैं जब निकला तब मैं व्लॉग नहीं कर रहा था, तो क्या हुआ, सुखदेव जो है उसने कॉल किया मुझे। कॉल करने के बाद वो बोल रहा है कि मेरा भाई एक्सीडेंट हो गया है तो जल्दी से आ जा पहाड़पुर में, तो मैं उसके बाद पहाड़पुर में गया।
उसके बाद आप लोगों ने सीन जो है आप लोगों ने देख ही लिया था कि क्या हुआ था बाइक का, उसका बाइक का जो हालत है वो आप लोगों ने दिखाई था कि क्या हालत हो गया था। तो मैंने उधर पे गया तो उसके बाद जो सब कुछ है म्यूचुअल करने का ट्राई किया, लेकिन वो जो लोग है वो पैसा मांग रहा था बहुत ज़्यादा। तो वो मैंने देवुदा के साथ पहले बात किया कि कितना खर्चा आएगा उस बाइक का पिक्चर भेजा, सब कुछ मैंने देवुदा से पूछा। उसके बाद सुखदेव को बताया, उसके बाद ही मैं उधर से घर पर आया। लेकिन वो लोग जो है वो पैसा मांग रहा था, अगर पैसा नहीं दूंगा फिर क्या होगा, जो बाइक है वो नहीं देगा। तो दोनों बाइक ही जो है वो उसका जो मतलब जिनके साथ एक्सीडेंट हुआ था उनका ये गैराज था, तो उधर पे रख दिया था। दोनों बाइक ही था, मतलब सुपर स्प्लेंडर भी था एंड सुखदेव का जो क्या बोलता है उसका NS 200 वो भी था, दोनों बाइक ही था। तो आप लोग अभी जो है वो मॉर्निंग का जो सीन था, मतलब नेक्स्ट दिन जब मैं गया था वो जो सीन है वो अभी आप लोग देखो। तो गाइस कल तो आप लोगों ने देखा था क्या हुआ था, मतलब शायद से वो पार्ट वन वीडियो में आएगा या फिर इस वीडियो में मैं ऐड कर सकता हूँ। तो मेरा जो दोस्त है सुखदेव उसका तो एक्सीडेंट हो गया था, आप लोगों ने कल के देखा था। तो अभी फ़िलहाल उधर ही जा रहा हूँ जिधर पे बाइक जो है वो रख के हम लोग आया था। तो सुखदेव तो पहुँच गया उधर पर, पहले शायद से देवुदा के शॉप में जाऊँगा एंड देन वो जो बाइक है वो लाने के लिए जाऊंगा एंड देखूंगा कितना खर्चा आएगा। पता नहीं आज शोरूम खुला है या फिर बंद है, क्योंकि आज तो भाई फोटा है। जब किस्मत ख़राब रहता है ना सब साइड से ही ख़राब रहता है। देखो कल मेरा जो GoPro है वो टूट गया था, वो भी आप लोगों ने देखा, GoPro का जो मीडिया मोड है। मैं अभी फ़िलहाल उसमें जो सेलोटेप मार के लेके आया हूँ वीडियो के लिए, क्योंकि वीडियो तो बनाना पड़ेगा एंड मैं आज सिलीगुड़ी जा भी नहीं सकता हूँ कि और एक मीडिया मॉड खरीद के लाऊं एंड उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा महंगा है, 8000 रुपीज़ उसका प्राइस है, तो अभी पैसा किधर से मिलेगा। तो इसी कारण के लिए ऐसे जुगाड़ से चला रहा हूँ। अभी क्या हुआ था सीन मैं आप लोगों को इस रास्ते पे बता देता हूँ कि वो गया था पेट्रोल भरवाने के लिए, तो पेट्रोल भरवा के रॉन्ग साइड से मतलब उधर से इधर आ रहा था, उसको आना पड़ता उस रास्ते से, लेकिन वो आ रहा था ये रोड से। ठीक है तो ये जैम ख़त्म होने दो, मैं आप लोगों को बताता हूँ या फिर वो लोकेशन भी आप लोगों को लेके जाता हूँ उधर पे, बताता हूँ कि क्या हुआ है सीन। ट्रकों का जाम लगा हुआ है। मेरा जो दोस्त था वो रॉन्ग साइड से आ रहा था, क्योंकि उधर पे जाने पे बहुत ज़्यादा घूम के जाना पड़ता, मतलब वो रोड पे जो है वो इंडिकेटर दिखा के आ रहा था। सामने से एक सुपर स्प्लेंडर जा रहा था, सुपर स्प्लेंडर बाइक, तो उसमें शायद से मतलब फैमिली था, शायद से हो सकता है फैमिली या फिर दो बंदा ऐसा कुछ था, वो मुझे याद नहीं है, क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ था तब मैं इधर पे नहीं था। ठीक है उसने मुझे कॉल किया, उसके बाद मैं आया, सब सेटल किया, उसके बाद मैंने घर गया। तो उधर से आ रहा था जब वो मुझे जो बोला कि वो पास तो मर रहा था, ठीक है, लेकिन वो जो बंदा था वो साइड नहीं दे रहा था, तो तब जाके जो क्रैश हो गया दोनों बाइक में। ठीक है सुपर स्प्लेंडर के साथ NS 200, तो उसका जो बाइक है मतलब NS 200 का बिल्ड क्वालिटी मैं देख रहा हूँ BS7 में तो एकदम ही घटिया हो चुका है, क्योंकि मैंने जो बोला मेरा जो दोस्त है उसने मुझे बोला कि बाइक का स्पीड अराउंड 35-40 था, इससे ज़्यादा नहीं था, क्योंकि वो रॉन्ग रूट से आ रहा था, तो इतना ज़ोर में भगाने का कोई बात ही नहीं बनता इधर पे, तो वो धीरे ही आ रहा था एंड पता नहीं कि जो सुपर स्प्लेंडर है वो कितना स्पीड में जा रहा था। इसी कारण के लिए कल बाइक उधर पे छोड़ के आ गया, दोनों बाइक ही मतलब सुपर स्प्लेंडर भी छोड़ के आ गया, सुपर स्प्लेंडर को तो उन लोगों का बाइक था एंड हम लोगों का जो NS 200 है वो भी छोड़ के आ गया। मैं वीडियो क्लिप लेके आ गया जो आप लोगों ने देखा था इससे पहले वीडियो में भी या फिर इस वीडियो में ही आप लोगों ने जो देखा था, तो वो लोग 15,000 या फिर 20,000 ऐसा कुछ मांग रहा था। तो मैंने बोला आपके बाइक में तो इतना खर्चा ही नहीं होगा, तो इतना क्यों दूंगा मैं, तो ये सब बात होता रहा, तो बात बढ़ता रहा, तो मैंने सोचा कि इससे कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा तो बाइक को छोड़ देते हैं एंड आज आके बाइक को जो है सर्विसिंग पे देवुदा के शॉप में मैंने कॉल किया था, कल ही कॉल किया था एक्चुअली। तो देवुदा बोला मुझे 2000 या फिर 1500 में हो जाएगा, मुझे ये चीज़ बोला, तो इसी कारण के लिए मैंने बोला ठीक है आज तो बाइक जो है वो गैरेज पे रख दे, कल देखता हूँ क्या होता है। तो इसी कारण के लिए अभी फ़िलहाल देवुदा के शॉप में जा रहा हूँ। सो गाइस अभी तो फिलहाल जा रहा हूँ बाइक के उधर, तो मैंने देवुदा के शॉप से एक भाई को ले लिया, उसको लेके जा रहा हूँ क्योंकि एस्टीमेट लेना है कितना खर्चा है इस बाइक के ऊपर। सो गाइस देख सकते हो इसका जो हेड है
टोटली लॉस्ट हो चुका है। ये देखो ये पट तो गया है, ये भी गया है, इधर पे रेडिएटर, ये देखो रेडिएटर भी इधर से जो टोटल जो रेडिएटर का जो ऑयल रहता है मतलब कूलेंट वो टोटल निकल चुका है। इधर पे भी देखो ये टूट गया है, ये टूट गया है, मतलब ये पैनल टोटल ही चेंज होगा, बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया। एकदम न्यू बाइक है, सामने तो ठीक ही है लेकिन ये हेड एकदम ख़राब हो चुका है। एंड इधर पे ये सुपर स्प्लेंडर था, अभी तो फिलहाल बाइक लेके नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इसका काम होगा, उसके बाद ही ये बाइक छोड़ेगा, तो अभी फ़िलहाल घर पे ही जा रहा हूँ। तो कल आऊँगा क्योंकि आज तो भाई फूटा है तो आज तो नहीं हो पाएगा इसका काम, तो कल आके इसको पहले रिपेयर कराऊँगा, उसके बाद ये बाइक लेके जाऊँगा, उसके बाद इसको इंश्योरेंस में दूंगा, सब कुछ आप लोगों को बताऊँगा कितना खर्चा आया। तो वो जो बाइक है वो देखने के बाद मेरा तो दिमाग थोड़ा मतलब थोड़ा क्या बहुत ही ख़राब हो गया था, क्योंकि वो बाइक जो है वो मेरा दिल का बहुत ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि आप लोगों को पता है मैंने उस बाइक में बहुत सारा वीडियो बनाया हूँ। एंड उस बाइक का जो किलोमीटर है मतलब शायद से सेकेंड सर्विसिंग होने वाला है, एंड उस बाइक का किलोमीटर 1000 या फिर 700-800 ऐसा कुछ होगा, तो उसका 50% किलोमीटर जो है वो मैंने ही राइड किया था। तो आप लोग सोच सकते हो कि कैसा फील हो रहा था, तो इसी कारण के लिए मैंने गया। एंड मेरा वो दोस्त है तो जाना ही पड़ता, तो मैंने घूमना कैंसिल कर दिया, उसके बाद निहारिका को लेकर सीधा चला गया था उधर पर। तो जाने के बाद सब कुछ तो हुआ, बातचीत हुआ, तो कुछ भी झमेला नहीं हुआ, ये एक चीज़ था। वो लोग जो था वो बहुत ही अच्छा था। तो उसके बाद आप लोग ये जो वीडियो है इसका पार्ट टू आप लोग देखना, ठीक है, मैं जब बाइक लेने के लिए जाऊंगा, ठीक है, वो पार्ट आप लोग ज़रूर देखना। तो ये पार्ट वन था, क्योंकि एक वीडियो में मैं अगर टोटल वीडियो मतलब एक वीडियो में अगर सब कुछ मैं बताने जाऊँ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसी कारण के लिए मैंने क्या किया दोनों पार्ट निकल दिया। तो ये एक पार्ट है, इसके बाद और एक पार्ट आएगा, तो वो पार्ट जो है वो ज़रूर देखना।